गरीब लाचार मजबूर बेसहारा छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। आपको बता दें, अगर आप पटना में यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अभिलंब जुड़िए अशोका सिविल सर्विस कोचिंग सेंटर, जिसका विधिवत उद्घाटन कल राजधानी पटना में हुआ। आपको बता दें, पूर्व आईएएस अधिकारी सह वर्तमान में सीतामढ़ी जिला अंतर्गत पंचायत के मुखिया अरुण कुमार ने गरीब छात्रों के लिए ये बड़ा खुशखबरी लेकर आया है। इस मौके पर पूर्व आईएएस अधिकारी अरुण कुमार और उनकी धर्मपत्नी रितु जायसवाल, जो आरजेडी की नेत्री है, उन्होंने इस मौके पर छात्र छात्राओं से क्या कुछ कहा, जरा इस वीडियो क्लिप को सुनिए। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात किया कि अगर इतनी योग्यता लेकर के हम अपने पास रखे रह जाएं तो इसका उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं है। गंगा घाट पे बच्चे जिस तरह से पढ़ रहे थे और आप लोगों ने वो न्यूज जिस तरीके से दिया था, वो काफी मतलब मुझे, मैं बहुत ज्यादा विचलित हो गई थी कि कोई फायदा नहीं है कि आप फला यूपीएससी कैडर से है या बीपीएससी सेवेंथ रैंक होल्डर है, जो कुछ भी है, आपने जिस सोसाइटी से लिया और जिस सोसाइटी की बदौलत आप आगे बढ़े, आपने उसको रिटर्न क्या दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो आप देख रहे हो ना, आप यकीन नहीं करेंगे, ये एक हफ्ते का, सिर्फ एक हफ्ते उस न्यूज के बाद हम लोगों ने विचार किया और एक हफ्ते के अंदर ये इंस्टीट्यूट आपके सामने है, जो कि नहीं, डेफिनेटली कमर्शियल है, क्योंकि कहीं ना कहीं से सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। एक ये एक सस्टेनेबल मॉडल पे ये रन करेगा और वैसे बच्चे, जहां मुझे लगता है कि इस बच्चे के, हमारे इंस्टीट्यूट को ये लगेगा कि इस बच्चे के अंदर काबिलियत है, और सिर्फ काबिलियत रहते हुए पैसे की वजह से वो बच्चा ना पढ़ पाए, इसका इससे ज़्यादा मतलब क्या कहूँ मैं, ये होना नहीं चाहिए। ये वो उसके फिनेंशियल जो पार्ट है वो उसके टैलेंट के आगे हैडल नहीं बनना चाहिए, किसी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो वैसे बच्चों को हम लोग पूरी तरह से वहाँ पर सपोर्ट करेंगे। सम्राट अशोक, भगवान महावीर और मनेर शरीफ, सभी धर्मों का सम्मान करने वाली धरती रही है बिहार, और इस धरती पर आज शुरू से ये ज्ञान की धरती रही है, विश्व में एक शांति का संदेश दिया है, ज्ञान का संदेश दिया है, विभिन्न धर्म का सूत्रपात यहाँ हुआ है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, बौद्धिस्ट हो, जैन हो या सिख हो, गुरु गोविंद सिंह की भी धरती रही है। इस जगह पर ज्ञान की आगे बढ़ाने की अभिलाषा लेकर मैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर आया हूँ। 1995 बैच का मैं सिविल सर्वेंट रहा हूँ। मैं भारत सरकार के विभिन्न पदों पर कार्य किया हूँ, निदेशक था मैं रक्षा मंत्रालय में, कमिश्नर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी था मैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग नई दिल्ली में। 2018 में मैंने सेवानिवृत्ति लिया। सेवानिवृत्ति से पहले भी शिक्षण, पठन पाठन, अध्ययन और अध्यापन, ये मेरा एक शौक ही नहीं, मेरी जीवन वृत्ति रही है। अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने परिवार के लोगों को पढ़ाना, अपने समाज के लोगों को पढ़ाना, अपने गांव के बच्चों को पढ़ाना, ये मैं करता रहा हूँ और इसके रिजल्ट भी मुझे हमेशा मिलते रहे। आज मेरे परिवार में भी बहुत सारे लोग हैं जो आईएएस हैं, कुछ तो बिहार कैडर में भी हैं और बहुत सारे प्रशासनिक पदों पर हैं, और हमारे द्वारा काफ़ी लोग ट्रेंड हुए जो कि यूपीएससी क्वालिफाई किए, बीपीएससी क्वालिफाई किए। मैंने भी यूपीएससी क्वालिफाई करने से पहले 1994 में बीपीएससी में मेरा सेवेंथ रैंक था, लेकिन मैं यूपीएससी में जाना श्रेयस्कर समझा, वहीं गया। बिहार के प्रति लगाव रहा है और अभी मैं एक अशोका सिविल सर्विसेज का स्थापना किया हूँ, और यह स्थापना करने से पीछे भी मैंने कुछ कार्य किया, जैसे कि मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया था यहीं पटना में और अन्य जगहों से, सिक्किम से, हैदराबाद से, महाराष्ट्र से बच्चों को रख के मैंने उनको पढ़ाया और मैंने पूरा परिमार्जित किया अपने पढ़ाने के सिस्टम को कि क्या ये काम करता है कि नहीं। मेरा ऑनलाइन वेबसाइट भी है जिस पर कि सभी 1200 से 1300 क्लासेज जो बच्चों के साथ हमने दिया है, उनको पढ़ाया है, टेस्ट सीरीज है। और मैं सोचा कि अब इसको क्षेत्र में लाना है, क्योंकि जब बुद्ध को भी ज्ञान प्राप्त हुआ था तो वो घूम घूम के प्रचार किए थे। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है और आपको पता लग जाता है कि परीक्षा निकालने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है, तो मैं चाहता हूँ इसका फ़ायदा हमारे बच्चों को क्यों नहीं मिले, और इस दिशा में मैं यहाँ आया हूँ कि मैं बिहार में क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है, उसका सूत्रपात करूँ। पहले भी लोगों ने कोशिश किया है, उनकी कोशिशें भी कामयाब रही हैं, उसमें मैं भी उस करीब में कुछ आगे बढ़ने की कोशिश कामना रखता हूँ। पटना